सबों को प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान और पवित्र नाम में प्यार भरा जय यीशु। आज का मैंने विषय लिया है आपका उज्जवल भविष्य है। मेरे प्यारे विश्वासियों, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि जब आपको ये ना समझ आए कि आपको क्या करना चाहिए, तब आपको क्या करना है। हम सभी जीवन के ऐसे समय से होकर गुजरते हैं जब हमें मालूम नहीं पड़ता कि हमें क्या करना है, फिर भी हम यूं ही हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते। वचनों के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमें कुछ सोचना पड़े तब हमें क्या करना चाहिए। आप नोट करें, सबसे पहले आपको जो करना है वह यह है कि पहला, अपनी समस्या को अनदेखा करना। प्यारे मित्रों, जानते हैं ये बहुत ही मुश्किल काम लगता है, पर असंभव नहीं। हम अपनी समस्याओं पर अधिक ध्यान लगाते हैं और इसलिए वह और भी मुश्किल और उलझा हुआ लगने लगता है। हम देखें, अपने घर पर अगर एक बच्चा जिद्दी है तो हमें क्या करना चाहिए? जितना ज्यादा आप उस पर ध्यान देंगे वो उतना ही तमाशा करेगा। यहाँ तक कि कभी रास्ते में भी लोटपोट होने लगता है। उसी तरह आप देखें, अगर शरीर के किसी भी हिस्से में अगर दर्द है और उस पर आपका ध्यान है, तब हमें वहां और भी दर्द होने लगता है। जबकि अगर हम काम में अपना ध्यान लगाते हैं तब शायद उस दर्द का एहसास कम हो जाता है या फिर हम उस दर्द के बारे में भूल जाते हैं। शैतान चाहता है कि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस समस्या पर रहे। हम जानते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जब हम अपनी समस्याओं को पूर्ण रूप से अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन उन समस्याओं पर जितना हमें ध्यान देना चाहिए, ध्यान उस पर रखना चाहिए, उससे अधिक ध्यान ना दें। हमें यह जानना है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या संभावनाएं हैं, और जो हम नहीं कर सकते उसे प्रभु पर छोड़ दें। यदि हम वो करेंगे जो हम कर सकते हैं तो प्रभु हमारे लिए वो करेगा जो हम नहीं कर सकते। कई लोग कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ चमत्कार के इंतजार में अपना समय व्यर्थ ही गवा देते हैं, पर प्रभु चाहता है कि आप हर वो संभव प्रयत्न करें जो आप कर सकते हैं। अगर आपकी समस्याओं को कहने से कोई समाधान निकल सकता है तब आप जरूर कहें, अन्यथा आपका ध्यान बार बार उन्हीं बातों पर जाएगा। हम में से कुछ ऐसे भी होंगे जब मुश्किलें आती हैं तब हमें दुखी होना अनिवार्य है, क्योंकि यह हमारे दिमाग का एक पैटर्न बन जाता है। प्रभु का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दो, क्योंकि वह सब संभाल लेगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 इस प्रकार कहता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। संसार में बहुत क्लेश है और यीशु ने जवाब में शिष्यों से कहा कि तुम ढाढ़स बांधे रखो। हम अपने आप से बार बार कहे, जीवन में समस्या आने पर भी मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि यही मेरे लिए उचित है। मार्कुस अध्याय 5 पद संख्या 28 एक रक्तस्राव महिला के बारे में कहता है। वो कहती है, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। वह यह नहीं कहती कि मैं स्वस्थ नहीं होंगी, वह यह कहती है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। मार्कुस उसी के आगे अध्याय 5 पद संख्या 29 और 30 इस प्रकार कहता है, उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में उन्होंने मुड़कर पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? हम देखें, यीशु ने भीड़ के बीच खड़े होकर मुड़कर पूछा कि मुझे किसने छुआ। वास्तव में यीशु ने यह नहीं पूछा कि मेरे वस्त्रों को किसने छुआ, बल्कि वो ये कहना चाहते थे कि किसने अपने विश्वास से मुझे छुआ। कई प्रकार के लोग उन्हें छू रहे थे, लेकिन उसने यीशु को अपने विश्वास से छुआ। रोचक बात यह है कि यीशु ने उस महिला को कुछ देने का नहीं सोचा था, लेकिन उसने अपने विश्वास के द्वारा उसे उससे वो पा लिया जो उसे चाहिए था। आप याद करें, जब आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं और उस व्यक्ति से वो पा लेते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
यह तभी संभव होगा जब आप उम्मीद भरे मन से विश्वास के साथ वहां जाएंगे, इसके बजाय कि पता करने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। कभी कभी आप यह जानेंगे कि किस तरह से प्रभु आपके लिए प्रभु के लोगों का इस्तेमाल करता है, उनसे वो सभी बातें कहलवाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसी के अध्याय में मार्कुस अध्याय 5 में हम 33 में पढ़ते हैं कि ईसा यह कह ही रहे थे, सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है। मैं जैरुस के बेटी के विषय में कह रही हूँ। अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है? दूसरे शब्दों में कहे तो वो ये कहना चाहते थे कि आप इस विषय में भूल जाइए, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता। आगे हम पढ़ते हैं कि ईसा ने उनकी बात सुनकर भी सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। इसका मतलब है कि यीशु ने उनकी बातों को अनसुनी कर दी। शैतान चाहता है कि हम संतुलन से बाहर आए। वह तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में डालेगा। शैतान कहेगा कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी कभी भी नहीं बदलने वाला है, और यह बातें दिन पर दिन बिगड़ते चली जाएगी। हम उस बोझ के तले दबते चले जाएंगे। कभी ऐसा भी लगेगा कि मुझे छोड़ बाकी सभी कितने आराम की जिंदगी जीते हैं, कितने खुश हैं, कितने धन्य हैं वे लोग। शैतान हमसे झूठ कहता है। हम शैतान को ना कहें, क्योंकि वह हमसे कहता है कि हमारा भविष्य नहीं है, हमारा भविष्य अंधकार में है। पर वास्तव में देखा जाए तो शैतान खुद अनंत काल के लिए नरक में डाला गया, जहां अंधकार ही अंधकार है और उसका कोई भविष्य नहीं है। पर हमारा है, हमारा एक उज्जवल भविष्य है। आप याद करें, आपके पास्ट लाइफ में आप इससे भी बड़ी बड़ी और जटिल परेशानियों से निकले हैं, पर आपने वह समय पार कर लिया। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। यीशु ने अपने वचनों में कहा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। आपको प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा और वह आपकी मदद जरूर करेगा। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप खुश रहें। आप जो भी अच्छा करने की सोचते हैं, उसमें वह जरूर कोई ना कोई अड़चने डालता है। शैतान चाहता है कि आपका ध्यान भंग हो। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, तभी आपको दुनिया भर के सारे काम याद आते हैं। आज आप अपने से कहिए, मैं समस्या पर जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। अगर मैं समस्या पर ध्यान दूंगा तो मैं सिर्फ चिंतित रहूंगा। आप ऐसा कहिए कि मेरा एक उज्जवल भविष्य है, क्योंकि ईश्वर ने निर्धारित मेरे लिए एक निश्चित योजना बनाई है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप इस एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और आप देखेंगे कि ईश्वर का कार्य आप में कैसे पूरा होता है। प्यारे मित्रों, आज का प्रभु वचन हम ले सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 21, जो इस प्रकार कहता है, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती है, किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है। इसी के साथ मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपका दिन प्रभु की योजनाओं को और गहराई से समझने में कारगर सिद्ध हो। आप सबों को पुनः मेरा जय यीशु।